लाने के लिए बार बार घर जाना पड़ता था। एक ही बच्चे को पढ़ा सकता हूँ तो लड़के को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि लड़की तो पराया बहन होती है। 5 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, इतनी दूर कौन जाएगा, वो भी पढ़ने। चोरी है मतलब स्कूल की चोरी। इतना नहीं कमाता, या तो पढ़ा लो या तो खिला लो। मेरा बेटा दिव्यांग है, अब मैं हर दिन काम का हर्जा करके उसको स्कूल छोड़ने फिर स्कूल से लेने तो नहीं जा सकता ना। आप में से कई लोगों के पास सुबह मम्मी उठाती होंगी आपको स्कूल जाने के लिए, उठाती है ना? ठंड में उठने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता, जबकि हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं। लेकिन शायद आपको पता हो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किलो किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है स्कूल में। हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं, पर जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है उनके पास भी ये सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी पढ़ने लिखने का हक है। जॉनी जॉनी यस पापा, गोइंग टू स्कूल नो पापा, गोइंग टू मूवीज यस पापा, रीडिंग बुक्स नो पापा, फुल टाइम मस्ती यस पापा, एजुकेशन। अरे भैया ये क्या है? अरे भाई ये स्कूल है। स्कूल हमारे स्कूल में भैंसे बांधी जाती है। अरे ये भैया ना सड़कें हैं ना बिजली, बस भी हफ्ते में एक बार आती है, मास्टर कैसे आएंगे? अरे बाप रे, क्यों उसे कोई दोस्ती नहीं करता? सब बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं। खाना वो भी मैं अकेले ही खाता हूँ। बेटा तेरी किस्मत अच्छी है जो तेरा लॉटरी में नाम आ गया और इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया। मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए तेरे साथ भेदभाव होता है। तेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो इसीलिए तू पढ़ ले और बड़ा आदमी बन। होती है बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता होगा भैया, 3-3 महीने स्कूल नहीं खुल पाते, पढ़ाई हो ही नहीं पाती और बच्चों को दूसरे शहर भेजते हो भी डर लगता है। हम में से कई लोगों के घर पे बसेस आती हैं स्कूल ले जाने के लिए, आती है नहीं आती है? कुछ लोग वैन में भी आते होंगे और कुछ लोगों के मम्मी पापा छोड़ने आते हैं और फिर लेने भी आते हैं, आते है नहीं आते? कभी कभी ज्यादातर लोगों के आते होंगे। फिर से कई बच्चे ऐसे हैं जो अकेले, आप लोग न्यूज चैनल में देखते होंगे कई लोग बच्चे, सुनो बच्चों आवाज आ रही है मेरी, आपने न्यूज में देखा होगा कि पानी भरा हुआ है, लोग बच्चे टायर में जाके उस नदी को पार कर रहे हैं और पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, न्यूज में देखा है ना आपने? यस सर। तो ये सुविधा, इतनी परेशानी उठाने के लिए वो बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हमें मम्मी पापा भी छोड़ने आ सकते हैं, हमारे को बस मिलती है, वैन मिलती है पढ़ने के लिए, तो क्या उन बच्चों का हक नहीं कि एटलीस्ट कम से कम उनके पास एक रोड हो जिसको पार करके वो जा सके पढ़ने के लिए? कई जगह ऐसी हैं जहाँ किन्हीं वजहों से कई कई महीनों तक स्कूल बंद रहते हैं, शायद वर्ग की वजह से या हिंसा की वजह से, जिससे उनकी पढ़ाई का बहुत खर्च होता है, जबकि उनका भी उतना ही हक है पढ़ने का जितना कि आप लोगों का है। तो ये हक सबको बराबर मिलना चाहिए। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस। बेटी आज स्कूल मत जाना, तेरी माँ की तबीयत खराब है, उसकी काम में मदद कर देना। पर बाबा भाई भी तो है घर में। वो लड़का है, पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा, तो मेरी तरह फैक्ट्री में काम थोड़ी ना करेगा। भाई तो पूरे टाइम पार्क में खेलते रहता है, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहता है। वो लड़का है इसलिए। ठीक है मैं भी काम खत्म करके पार्क में खेलने चली जाऊँ। नहीं ना, तू पार्क जाएगी ना स्कूल जाएगी। जब स्कूल नहीं भेजना था तो एडमिशन क्यों कराया था? एडमिशन तो इसलिए कराया था ताकि वजीफा मिले, तुझे वर्दी मिल जाए, 8वीं तक तो कोई फेल करेगा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी तो शादी करने में भी आसानी होगी। पर बाबा मुझे पढ़ना लिखना है, टीचर बनना है। देख टीवी देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया, अपनी हद में रह और घर बैठ।